हेलो एंड वेलकम टू मैकेनिकल मेजर। आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक सर्किट्स। सो लास्ट क्लास में हमने डीसी सर्किट्स लॉज एंड थ्योरम्स को कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक सर्किट। इस मैग्नेटिक सर्किट के टॉपिक में जो आज हम पढ़ेंगे वह आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, फॉर्मूलेज दूंगा जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं प्रीलिम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैग्नेटिक सर्किट को यदि मैं डिफाइन करूं तो मैग्नेटिक सर्किट इज जस्ट द बेसिक ऑफ योर मैग्नेटिक एलिमेंट्स। सी, मैग्नेटिक एलिमेंट्स में सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या होता है? तो मैग्नेट इज जस्ट अ पीस ऑफ आयरन और मेटल, और यू कैन से दैट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स द अदर लाइक और अनलाइक चार्जेस। ये तो आप सबको पता ही है, ये हम पढ़ते ही हैं। नाउ मैग्नेटिक सर्किट्स क्या है? तो जैसे हम किसी भी सोर्स में, मान लीजिए कि ये एक लोड है और इस लोड में हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं या हम इसमें क्या लगा रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, तो ये लोड में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो करंट का फ्लो होना, लोड का लगा, लोड में सोर्स का लगाना, दिस इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। सो करंट, वोल्टेज और EMF यू कैन से, एंड देन पावर, देन एनर्जी, दिस ऑल कम्स अंडर द इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ वी हैव टू लर्न द मैग्नेटिक सर्किट्स। सो बिफोर गोइंग टू द डेफिनेशंस और बिफोर गोइंग टू द सर्किट्स, फर्स्ट वन थिंग आई शुड टेल यू दैट इन दिस मैग्नेटिक सर्किट यू हैव टू ओनली गो विद द फॉर्मूलाज। डोंट ट्राई टू लर्न बाय हार्ट सम थ्योरीज, बिकॉज आपको वो ज्यादा काम नहीं आने वाला है। फॉर्मूला बेस्ड आपको यहां थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। मैग्नेटिक सर्किट्स को हम स्टार्ट करेंगे। सो इफ यू हैव अ मैग्नेट, देन द एरिया अराउंड द मैग्नेट थ्रू विच इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज कंपोज ऑफ मेनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, एंड दैट लाइन्स इज कॉल्ड एज द फ्लक्स लाइन्स और मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स दैट ओरिजिनेट्स। सपोज दिस इज द बार मैग्नेट दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल, सपोज दिस इज नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, द कॉन्सेंट्रेशन इज मोर इन टुवर्ड्स द एंड एंड इट स्प्रेड्स अक्रॉस द सेंटर ऑफ द योर लाइन्स। ओके, अब यहां हमको देखना है कि डिफरेंट मैग्नेटिक सर्किट टर्म्स, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, जो मैंने आपको यहां लिखा हुआ है, दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट। ओके, सो फर्स्टली मैग्नेटिक सर्किट टर्म्स इफ आई डिफाइन दैट, फर्स्ट इज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मैग्नेटोमोटिव फोर्स। सी, वी हैव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अवर इलेक्ट्रिक सर्किट, दैट फोर्स मेक्स द करंट टू फ्लो। सेम हियर द मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज दैट फोर्स विच makes the magnetic movement possible. Okay, so that force is defined by F. You have to remember this, and the formula is F is equals to N into I, where N is the number of turns and I is the current. Okay, this F is equals to N into I, you can say unit is ampere turn. Okay, now second one is magnetic field intensity. I have told you about the magnetic field. Magnetic field is the area around which magnet through which it experiences the force. Now, what is intensity? So, magnetic field intensity is defined by H, and that is given by H is equals to Ni, that is F upon L, where L is the length of the path, and it is in meter. So, the formula or the unit will be ampere turns per meter, H is equals to Ni bar L. These all formulas you have to remember. Okay. Now third one is magnetic flux density. Now what is flux? So as we have current in the electric field, we have the flux in the magnetic field. So you can say that the MMF causes the flux to flow, or MMF is the force through which the flux flows. This is clear. So the flux density is, density means the area per meter square. In a meter square area, how many that material is present. So that is called as density. Now flux density is the density of the flux. So it is defined by B,
एंड बी इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एच. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. दिस रिलेशन कैन ऑल्सो बी ट्रांसफॉर्म्ड इंटू अ कर्व दैट इज कॉल्ड एज द हिस्टेरेसिस लूप और हिस्टेरेसिस कर्व एंड बेटर नोन एज डीएच कर्व. दिस यू हैव टू रिमेंबर और वी विल लर्न इन अवर फोरथकमिंग क्लासेस. सो बी इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एच एंड द म्यू इज परमेबिलिटी. वी विल लर्न इट आफ्टरवर्ड्स. द फॉर्मूला और द यूनिट इज टेस्ला. ओके द फॉर्मूला सॉरी द यूनिट फॉर फ्लक्स डेंसिटी बी इज टेस्ला. Now we have the permeability. Now permeability is that property of the material through which it allows the magnetic lines of flux to flow through it. See, since it is just the you can say you can see it like the conductivity in electrical circuit. So permeability is defined by mu, and that mu is equals to mu r into mu naught. Now what is mu r? Mu r is the relative permeability of the material and mu naught is the permeability of free space, and that is a constant. The value is 4 pi into 10 to the power minus 7 Henry per meter. This you have to remember. Okay. Now let's move to the next. Next one is flux. Now I have told you about the flux and it is denoted by phi, and that is equals to phi is equals to B into A, where A is the area of cross section. Okay, so that flux and the unit is Weber. Weber iska unit ho jayega. Next is inductance. What is inductance? So inductance is just the L. It is denoted by L. The unit is Henry, and L is equals to lambda into lambda upon I, where lambda is your flux intensity. Okay, flux intensity, and lambda is equals to N into phi. So this is again an important formula, and L is equals to lambda upon I, or you can say N square by R. Okay, N square by R. Okay. Why? Because lambda is N into phi, and phi is equals to B into A. So if you substitute the values, you will get N square by R also, and lambda upon I also. So these both are very important formula. And the last one is reluctance. Now see, as we have resistance in the electrical circuit, we have a reluctance in the magnetic circuit, which opposes the flow of flux, or you can say it is just opposite of permeability. So reluctance, that is defined by R or sometimes by S also, is equals to L upon mu naught mu R into A. So that is mu into A. And the unit is ampere turn per Weber. So these seven formulas you have to learn by heart. आप इनको पूरा रट लीजिए, क्योंकि इन्हीं के through ही आप सारे numericals को वहां पर बनाएंगे. हम जो next class में मतलब upcoming classes में discuss करने वाले हैं, जो कि पुराने आपके numericals आए हुए थे paper में. Now अब आपके पास एक बहुत ही अच्छा formula मिला हुआ है, that is phi is equals to B into A. Now, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम और अदर फॉर्मुलेस को रिलेट करते हुए कुछ नए रिलेशंस यहां लिखेंगे. सो B इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एच. सो हियर वी कैन राइट म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर. सो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ B ओवर हियर. सो B इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एच, एंड म्यू कैन बी रिटन एज म्यू नॉट इंटू म्यू आर, एंड दैट विल बी इक्वल इंटू एच, एंड A इज देयर. ओके, so this is again a formula that is also equal to flux. Now again, let us suppose that H, now H can be written as Ni by L. So I am substituting the value of H here. So that is mu naught mu r Ni A upon L. So this is again a new formula for the flux. And the last one, that is L upon, see the formula here, L upon mu naught mu r into A. So that whole can be substituted by value R, that is reluctance. So R into I. Can I write here R into I? Because R is equals to L upon, sorry, I upon, that is Ni upon R. Now it is correct. So Ni upon R. Why? Because R is equals to L upon mu naught mu r into A. So these many formulas you can
डिराइव फ्रॉम अ सिंगल फॉर्मूला। सो ये जो चीजें हैं यही आपको क्या करती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए बेहतर बनाती है। अगर आप इतने सारे रिलेशंस को गेस कर पा रहे हैं तो देन यू आर इन अ बेटर प्लेस। नाउ वी कम हियर एंड वी जस्ट गो फॉर अ एनालिसिस। सो वी कंपेयर इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट। सो इलेक्ट्रिकल सर्किट वर्सेस मैग्नेटिक सर्किट, जस्ट एन एनालॉजी आई एम टेलिंग। करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, दैट इज इक्वल टू फ्लक्स इन मैग्नेटिक सर्किट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्लक्स। वेबर इज द यूनिट, वी हैव सीन अर्लियर। नाउ सेकंड वन इज ईएमएफ दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। नाउ दैट इज अगेन एमएमएफ इन मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। नाउ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट दैट इज वी बाय आई, रिलक्टेंस इन मैग्नेटिक सर्किट दैट इज आर और यू कैन से एस। ओके सो द रिलक्टेंस एंड रेजिस्टेंस आर जस्ट द सेम इन देयर पर्टिकुलर और इन देयर रेस्पेक्टिव सर्किट्स। नाउ लास्ट वन इज कंडक्टिविटी दैट इज डिनोटेड बाय सिग्मा एंड कंडक्टिविटी इज जस्ट अपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी। सो रिलक्टेंस का अपोजिट क्या था, परमियंस था, और कंडक्टिविटी का क्या हो जाएगा, परमियबिलिटी। तो परमियबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, ये हमने देखा था, म्यू नॉट म्यू आर होता है उसका फॉर्मूला। तो मैग्नेटिक सर्किट के जो बेसिक चीजें थी वह मैंने आपको बताई। नाउ वी हैव टू अप्लाई दीज फॉर्मूलाज टू अवर सर्किट्स एंड पर्टिकुलरली द थ्री सर्किट्स विच आर गिवन इन योर सिलेबस। तो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस द थ्री सर्किट्स, मैग्नेटिक सर्किट्स एंड देयर फॉर्मूलाज विथ सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सो दैट यू हैव अ बेटर आइडिया फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।